जी। तो ये यहाँ का पुजारी जी है, प्रसाद चढ़ा रहा प्रसाद। ये देख सकते हो यहाँ पर त्रिशूल वगैरह रखे हुए हैं और ये माता जी की मूर्ति छोटी बनी हुई है, इसके ऊपर डेट भी लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हो। हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड जय श्री राम, स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि मैं आज मैं मौजूद हूँ राणा जागीर में, जो राणा अमीर सिंह की जो जागीर है वहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो ये एरिया दिख रहा होगा ये पूरा राणा जागीर का एरिया है और यहाँ पर जो माता देवर का बहुत बड़ा मंदिर है वो आप लोगों में विजिट करवाने वाला हूँ। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो आगे चलता हूँ और यहाँ पर जो माता देवर का मंदिर है वो आप लोगों में पूरा विजिट करवाता हूँ। तो अभी चलता हूँ अंदर और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेन गेट है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये मेन गेट है और ये माता देवल का जो सामने मंदिर दिख रहा होगा। अभी चलता हूँ अंदर और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो यहाँ का व्यू कुछ इस तरीके का है, ये मंदिर रहा सामने। ये बहुत ही पुराना मंदिर है माता देवल जिसे कहते हैं हम, माता देवल का जो मंदिर है ये राणा जागीर के बिल्कुल जस्ट साथ में ही है। ये पूरा एरिया जो यहाँ पर है राणा जागीर का है। तो अभी मैं मौजूद हूँ राणा जागीर में, आप लोग देख सकते हो ये मंदिर बहुत ही बड़ा मंदिर है और बहुत ही अच्छा बना हुआ है ये मंदिर। तो फ्रेंड्स ये मेन गेट है देख सकते हो आप, और यहाँ पर जो पिक्चर लगी हुई है माता के, ये माता की यहाँ पर पिक्चर लगी हुई है आप लोग देख सकते हो, ऊपर त्रिशूल बना हुआ है। और ये फ्रेंड्स देख सकते हो और साइड में जो पिक्चर लगी हुई है, बहुत ही अच्छा मंदिर है ये। मैं पूरा विज़िट करवाता हूँ अंदर से आप लोगों को, देख सकते हो। और इस साइड में भी जो है ना पिक्चर लगे हुए हैं, ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और फ्रेंड्स ये देख सकते हो और ये माता की पिक्चर लगी हुई है। और फ्रेंड्स ये मेन गेट है, बार फिर से दिखा देता हूँ, ये मेन गेट का व्यू कुछ इस तरीके है। और अभी चलते हैं अंदर और अंदर पूरा जो मंदिर जो है ना आप लोगों को विज़िट करवाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं एंट्री गेट इंटर करके अंदर, और ये मंदिर दिख रहा होगा सामने आप लोगों को। और फ्रेंड्स ये गेट है, ऊपर लिखा हुआ जय माता की, और इस तरह का व्यू है यहाँ मंदिर का। अभी चलते हैं हम आगे। फ्रेंड्स ये देख सकते हो यहाँ पर भी कुछ मूर्तियाँ, मतलब कि यहाँ पर पिक्चर वगैरह लगी हुई है ये माता की, देख सकते हो आप लोग। और ये माता शेरा वाली की है। तो अंदर आगे चलता हूँ और ये देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी मैं चलता हूँ मंदिर के अंदर और आप लोगों को यहाँ का पूरा व्यू दिखा देता हूँ। अच्छा, ये खारोड़ उच्चारण जिसे बोलते हैं माता का मंदिर यहाँ पर बड़ा, अभी अंदर चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए देख सकते हो आप लोग, और ये देख सकते हो यहाँ मंदिर का व्यू कुछ इस तरीके का, और ऊपर लिखा जय माता की। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ चुका हूँ अंदर मंदिर के, और ये माता जी की मूर्ति वगैरह लगी हुई है आप लोग देख सकते हो। ये भैया जी जो पूजा कर रहा है अभी। जय माता दी। फ्रेंड्स ये देख सकते हो यहाँ पर त्रिशूल वगैरह रखे हुए हैं और ये माता जी की मूर्ति छोटी बनी हुई है। अभी जो ये भैया पूजा कर रहा है यहाँ पर, इस तरह का व्यू है कुछ। और फ्रेंड्स ये पुजारी जी आ चुके हैं जी। तो ये यहाँ का पुजारी जी है, प्रसाद चढ़ा रहा प्रसाद, देख सकते हो। बराबर है।
तो ये गुरु जी जो यहाँ पर पुजारी जी बैठे हैं, तिलक लगा रहे हैं सिंदूर का। फ्रेंड्स ये देख सकते हो मंदिर का व्यू है, ये बहुत ही पुराना मंदिर है ये। और यहाँ पर शेरा वाली माता की जो मूर्ति लगी हुई है, ये बहुत अच्छी मूर्ति है, ये इंडिया से मंगवाई है, यहाँ की नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो। ये शेरा वाली माता की मूर्ति है, शोकेस में बंद है अभी, ये मूर्ति देख सकते हो कांच का शोकेस बना हुआ है। और फ्रेंड्स मंदिर का कुछ इस तरीके का व्यू है, आप लोग देख सकते हो तरीका जो है व्यू है मंदिर, बहुत ही अच्छा बना हुआ है ये मंदिर और बहुत ही पुराना है ये मंदिर, यहाँ पर जो मशहूर मंदिर है ये। तो भाई प्रसाद दे रहा है हमें, जय माता दी। ये देख सकते हो यहाँ पर ढोल भैया जी बजा रहा है। और अभी चलता हूँ बाहर में, और बाहर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो यहाँ पर भी कुछ जो है ना शिव जी की मूर्ति, मेरे ख्याल से पिक्चर लगी हुई है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो यहाँ पर ये बहुत अच्छी मूर्तियाँ, मतलब कि पिक्चर बनी हुई है, आप लोग देख सकते हो। ये माता की है जिसे देवल माता हम कहते हैं, यहाँ पर जो है ना पुराना मंदिर है ये। और इस साइड में भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, कुछ इस तरीके का व्यू है। और यहाँ पर जो को लोग आते हैं यहाँ पर बैठते हैं, देख सकते हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, और भी कुछ है जो यहाँ पर पानी वगैरह का सिस्टम बना हुआ है वो भी आप लोगों को दिखा दें, ठीक है फ्रेंड्स। ये इस तरीके के पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं, आप लोग देख सकते हो ये। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो पानी का सिस्टम है ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि ये थर्ड डिज़र्ट का एरिया है, यहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत होती है, इसलिए जो है ना ये पानी का पूरा बंदोबस्त किया गया। ये देख सकते हो बहुत बड़ी टेंकी बनी हुई है, ये 2015 में बनी है ये, इसके ऊपर डेट भी लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हो। फ्रेंड्स ये जो देख सकते हो ये टेंकी है पानी की, देखता हूँ पानी आ रहा है कि नहीं इसमें। तो फ्रेंड्स पानी आ रहा है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इस तरह का कुछ मंदिर है, आप लोग देख सकते हो, ऊपर ध्वजाएँ लगी हुई है भगवा रंग की। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।